Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम ऑडिटिंग कर रहे थे IS ऑडिट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये जाना था कि फेजेस होती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने के लिए और वो फेजेस इंपॉर्टेंट हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं ऑडिट ट्रेल नहीं होती है तो इसलिए आपको वो फेजेस फॉलो करनी चाहिए छोटी फॉर्म्स होती हैं पहले मैनुअल ऑडिटिंग होती थी कई बार वो उस फेजेस को फॉलो नहीं करते थे ऑडिट प्लान नहीं बनाते थे ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाते थे ऑडिट मेथोडोलॉजी का चयन नहीं करते थे चल जाता था लेकिन अब नहीं चलेगा अब इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपकी ऑडिट ट्रेल ही गायब हो जाएगी तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के फेजेस आपको फॉलो करने चाहिए हमने ऑडिट प्लानिंग के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था प्लानिंग जो होती है हम उसमें प्लान कर रहे होते हैं और प्लानिंग में प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं और हमने ये जाना था कि प्लानिंग का जो डिलीवरेबल होता है वो ऑडिट प्रोग्राम होता है ऑडिट प्रोग्राम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है और हमने ये भी जाना था जैसे फॉर एग्जांपल आप मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले प्लान में कुछ भी सोचा जा सकता है कि मकान का दरवाज़ा किधर होगा खिड़की किधर होगी लेकिन एक बार वो क्रिस्टलाइज हो जाता है एक बार आपका आर्किटेक्ट आता है तो क्रिस्टलाइज हो जाता है और एक नक्शा तैयार कर देता है तो जो ऑडिट प्रोग्राम है वो एक नक्शा है अब उसके अंदर मेथोडोलॉजी है कि किस मेथड से आप बनाएंगे क्योंकि बनाने की मेथड्स बहुत होंगी आप नींव खोदेंगे तो कैसे खोदेंगे पिलर चढ़ाएंगे तो कैसे चढ़ाएंगे तो वो IS ऑडिट मेथोडोलॉजी आती है तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम है उसके अंदर मेथोडोलॉजीज होंगी क्योंकि प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ होंगी ऑडिट मेथोडोलॉजी होंगी तो यानी कि सबसे ऊपर हमने यही जाना था सबसे पहले सेशन में कि प्लान होता है प्लान के अंदर प्रोग्राम होता है प्लान का डिलीवरेबल प्रोग्राम होता है प्रोग्राम के अंदर मेथोडोलॉजी होगी और मेथोडोलॉजी जो प्रोग्राम होता है वो यूनिक होता है हर पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए प्रोग्राम यूनिक होगा लेकिन मेथोडोलॉजी हमने जानी थी 4-5 मेथोडोलॉजी हैं या अप्रोच हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट या रिस्क बेस्ड ऑडिट मेथोडोलॉजी रिस्क बेस्ड ऑडिट मेथोडोलॉजी हम यूज़ करेंगे IS ऑडिट में जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी CIS कंपोनेंट जैसे जैसे बढ़ता चले जाएगा मैनुअल कम होता चले जाएगा वैसे वैसे रिस्क ऑडिट ज़्यादा होगा रिस्क बेस्ड ऑडिट होगा तो हमने पढ़ा था बहुत सारे बेस्ड ऑडिट हैं ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट है प्रोसेस बेस्ड ऑडिट हैं और रिस्क बेस्ड ऑडिट है 5 टाइप के मेथोडोलॉजी हमने जानी थी पिछले सेशंस में और इन मेथोडोलॉजी बेसिकली क्या है सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं यानी मेथोडोलॉजी के अंदर देखा जाए तो प्रोसीजर हैं प्रोसीजर क्या के अंदर देखा जाए तो कंप्लाइंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं कंप्लाइंस सब्सटेंटिव ये प्रोसीजर्स हैं तो यानी कि हर चीज़ क्रिस्टलाइज होते हुए चली जा रही है तो IS ऑडिट मेथोडोलॉजी प्रोसीजर्स का सेट ऑफ प्रोसीजर्स है बेसिकली अगर उसको मोटे तौर पर कहें कौन कौन से प्रोसीजर्स हम फॉलो करेंगे किस तरीके से हम ऑडिट करेंगे तो मेथोडोलॉजी कैसे बनेगी ऑब्जेक्टिव और स्कोप के अनुसार बनेगी और उसमें रिस्क असेसमेंट होगा और रिस्क मैनेजमेंट भी होगा क्योंकि जब आप मेथोडोलॉजी कर रहे हो तो मेथोडोलॉजी उस रिस्क को मैनेज भी करेगी रिस्क एसेस प्लानिंग फेज में रिस्क असेसमेंट आएगा लेकिन मेथोडोलॉजी में रिस्क एसेस होने के बाद उसका मैनेजमेंट भी होगा और किस तरीके से आप फॉर्मेटिंग होगी रिपोर्ट के किस तरह से होगी फॉर्मेट क्या होगा करेक्टिव एक्शन प्लान्स क्या होंगे रेजिडुअल रिस्क क्या होंगे ये सारी चीज़ें मेथोडोलॉजी में आ जाएंगे इसके बाद आपका प्लानिंग टाइप का फेज जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा एक बार आपने मेथोडोलॉजी डिटरमाइन कर दी बना ली वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स डिटरमाइन कर दी वो बात अलग है कि वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं बाद में उसके बाद आप क्या करेंगे आपका काम क्या है एविडेंस कलेक्ट करना एविडेंस कलेक्ट करके आप इन्वेस्टिगेटर हैं जासूस हैं ऑडिटर हैं आप एविडेंस कलेक्ट करोगे और उसी के बेसिस पर अपनी ओपिनियन दे दोगे तो यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट और एग्जामिनेशन करने से पहले आप मेथोडोलॉजी डिटरमाइन करोगे और मेथोडोलॉजी कैसे डिटरमाइन करोगे मेथोडोलॉजी क्या रिस्क हैं क्या कंट्रोल्स हैं और ऑडिट प्रोग्राम क्या है ऑडिट प्रोग्राम पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए पर्टिकुलर ऑडिट प्रोग्राम होगा यानी कि नक्शा बिल्कुल अलग होगा हर बार नक्शा अलग बनेगा हर टाउनशिप के लिए नक्शा अलग होगा लेकिन
उसके बाद किस तरीके से बनेंगे, कैसे पल्लर खड़े होंगे, वो बेस वो चीज़ जनरलाइज्ड होती है। जब भी कोई आपको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए अलग स्टैंडर्डाइज चीज़ें होती हैं। अगर आपको 3-story बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज अलग होती है। टाउनशिप खड़ा करना है तो उसके लिए अलग होती है। ये एक बार ऑडिट प्रोग्राम फ्रीज हो गया, एक बार नक्शा फ्रीज हो गया, तो बाकी की चीज़ें जनरली स्टैंडर्डाइज होती हैं, कुछ ऑप्शंस वहाँ पर कम होते हैं। और यही चीज़ होती है ऑडिट मेथोडोलॉजी में। ऑडिट मेथोडोलॉजी में चीज़ें जनरलाइज होती हैं। अब आपने पता है कि स्विमिंग पूल बनाना है, स्विमिंग पूल कैसे बनाना है आपको पता है, कहाँ स्विमिंग पूल है, अब उसमें मेथोडोलॉजी किस तरह का स्विमिंग पूल बनाओगे, 3-4 टाइप के स्विमिंग पूल होंगे, उसमें से किसी तरीके से स्विमिंग पूल बनाओगे। उसके बाद अगर मान लिया सपोज पार्किंग स्लॉट बनाना है, वो कैसे बनाना है, वो एक पर्टिकुलर टाइप के पार्किंग स्पेसेस होते हैं, 2-4 टाइप के होते हैं, उनमें से आप कर लोगे। अगर बाथरूम बनाना है तो किस तरह के बाथरूम बनाना है, कौन सी स्टाइल होगी बेसिक, फिर उसमें कौन सी टाइल्स वगैरह लगेंगी, ये होगा, ये कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते। हाँ, क्वालिटी एक पर्टिकुलर ज़्यादा पैसा लगाने लगोगे तो उसमें ज़्यादा क्वालिटी आएगी, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखोगे, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड में एक रेंज होगी और उसके अनुसार आप करोगे। तो वहाँ पर एक बार ऑडिट प्रोग्राम बन गया तो IAS ऑडिट मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है। आपको पता होता है क्या 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 मेथोडोलॉजी है, मकान बनने के हिसाब से आप इसको देख सकते हो एग्जैक्टली। तो IAS ऑडिट मेथोडोलॉजी में आप क्या करोगे, सारी चीज़ें होंगी, ऑब्जेक्टिव और स्कोप के अनुसार होगा, उसमें कंप्लायंस टेस्टिंग प्रोसीजर्स होंगे, सब्सटेंटिव टेस्टिंग प्रोसीजर्स होंगे, रिस्क असेसमेंट करोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे, रिपोर्ट्स के बारे में देखोगे। IAS ऑडिट मेथोडोलॉजी ऑडिट IAS ऑडिट का प्रोग्राम होगी, बल्कि IAS ऑडिट प्रोग्राम में मेथोडोलॉजी ही नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऑडिट शेड्यूल, रिसोर्स एलोकेशंस, बहुत सारे चीज़ होगा। यानी कि ऑडिट जो प्लानिंग होगी, प्लानिंग का एक भाग, एक डिलीवरेबल ऑडिट प्रोग्राम होगा, मतलब कई चीज़ें होंगी उसमें से एक ऑडिट प्रोग्राम होगा। ऑडिट प्रोग्राम में कई चीज़ें होंगी उसमें से एक चीज़ IAS ऑडिट मेथोडोलॉजी होगी। ऑडिट IAS ऑडिट मेथोडोलॉजी और चीज़ों को क्रिस्टलाइज करती है, जब लोग ऑडिट करने जाएंगे तो उन्हें बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बेसिकली IAS ऑडिट प्लान एक इनपुट है ऑडिट प्रोग्राम के लिए, ऑडिट मेथोडोलॉजी के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए। उसी के अनुसार प्रोग्राम बनेगा और उसी के अनुसार मेथोडोलॉजी बनेगी। तो मेथोडोलॉजी में हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं, ऑडिट प्रोग्राम में कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऑडिट मेथोडोलॉजी एक चीज़ है। मतलब ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिट शेड्यूल होगा, कैसे रिसोर्स एलोकेट करोगे, बजटिंग होगी, ऑडिट प्रोग्राम में कौन से क्वेश्चनर यूज़ करोगे, पुराने क्वेश्चनर हैं तो उनको अपडेट करोगे, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक उसके अंदर IAS ऑडिट मेथोडोलॉजी होगी। और क्या होता है कि ऑडिट मेथोडोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब प्लानिंग के बाद हमारा जनरल इम्प्रेशन क्या होगा, प्लानिंग होगा, प्लानिंग के बाद आपका प्रोग्राम बनेगा, प्रोग्राम में मेथोडोलॉजी होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, मेथोडोलॉजी सबसे पहले डिटरमाइन की जाती है कि आप जब ऑडिट क्लाइंट से मिलने जाते हो, वो कहते हैं कि आपकी फर्म को इंगेज करना है, तो वो मेथोडोलॉजी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कई बार वो कहते हैं हमारे वहाँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, तो आप वो कैसे करोगे, है मैंने बताया था इथिकल हैकिंग होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसकी ऑडिट मेथोडोलॉजी यूनिक होगी। या पर्टिकुलरली इवन IAS ऑडिट जो होंगे उनकी ऑडिट मेथोडोलॉजी यूनिक होगी, क्योंकि वहाँ कंट्रोल प्रस्पेक्टिव ज़्यादा है, रिस्क बेस्ड मेथोडोलॉजी ज़्यादा यूज़ की जाएगी। तो कई बार आप क्लाइंट के पास जाओगे तो वो कहेगा बाकी तो ठीक है जी, हम बाथरूम मुझे बिल्कुल सही चाहिए या किचन बिल्कुल सही चाहिए, किचन कैसा बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे किचन, वो मकान के बारे में बाद में पूछेगा। मतलब आप गए ऑडिटर, आप गए वहाँ पर आर्किटेक्ट को लेके, आप एक ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, और आर्किटेक्ट के पास ले गए, सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ, उसने कहा जी इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है मेरे पड़ोसी ने, और उसने क्या कहते हैं उसका किचन बहुत अच्छा है, तो आप किचन बनाओगे तो कैसा बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी, या पर्टिकुलर रूम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी, या स्विमिंग पूल बनाओगे तो कैसा बनाओगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी। तो वो मेथोडोलॉजी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यानी जनरली मेथोडोलॉजी पीछे रहेगी, लेकिन कई बार क्या होगा डिस्कशंस में पहले आ जाएगी, प्लानिंग के ही पार्ट हो जाएगी, प्लानिंग में ही सबसे पहले मेथोडोलॉजी फ्रीज हो जाएगी और फिर उसी के अनुसार प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये वेरिएशन से बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ये प्लानिंग फेज है, ये प्लानिंग फेज खत्म हो गया, इस प्लानिंग फेज में हमने सारी चीज़ें प्लान की, बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड
तरीका सीखा, ये कोई बहुत बहुत ज़्यादा ये जो तरीका है बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं है। बहुत अच्छी फर्म्स हैं वो इसे यूज़ करती हैं, नो डाउट, लेकिन इसके वेरिएशन आ जाते हैं। प्लानिंग में भी वेरिएशन आ सकते हैं, प्रोग्राम में भी वेरिएशन आ सकते हैं, बाद में भी वेरिएशन आ सकते हैं। आप प्रोग्राम के अंदर मेथडोलॉजी होती है या अप्रोच होती है उसमें भी वेरिएशन आ सकते हैं। उसके बाद जो आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, कौन से प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हो, ऑडिट प्रोसीजर जो यूज़ कर रहे हो वो भी चेंज हो जाते हैं बाद में। कई बार कंट्रोल प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन पता चलता है कंट्रोल्स वीक हैं, अचानक पता चलता है, तो आप सब्सटेंटिव ऑडिटिंग ज़्यादा कर देते हो। कई बार आप सब्सटेंटिव ऑडिटिंग कर रहे होते हो, कंट्रोल्स पर आप रिलाई कर रहे होते हो, पर पता चलता है सब्सटेंटिव ऑडिटिंग करते करते पता चलता है कंट्रोल्स वीक हैं, तो फिर आप कंट्रोल्स को फिर से ऑडिट करने लग जाते हो, तो आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। सीधी बात, जब आप युद्ध जाने से पहले आप एक प्लानिंग बनाते हो, जैसे ही युद्ध में जाते हो तो वहाँ पर सिचुएशन कई बार बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती है, तो अच्छे जनरल को वहाँ पर चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज करनी पड़ती हैं और प्लानिंग को भी उसको अपडेट करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर प्लानिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, युद्ध होता था, तो युद्ध में ये कहा जाता था ठीक है जी यहाँ पर इस नदी के किनारे जाएंगे और इस तरीके से वॉर करेंगे, या पानीपत के मैदान में जाएंगे वहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेटेजी रहेगी, और बाद में फिर चेंज कर दिया जाता था। मतलब पहले प्लानिंग की जाती फिर उस प्लान को बिल्कुल तेज़ी से चेंज कर दिया जाता था। तो जो अच्छे जनरल्स थे वो प्लान्स को चेंज कर सकते थे, मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता था कि वो सिचुएशन के अनुसार प्लान्स को चेंज कर सकें। लेकिन प्लान्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियली अगर आप पर कोई कल की डेट में कहीं पर, आजकल बहुत सारी चीज़ें जैसे पीयर रिव्यू है और बहुत सारी चीज़ें, उसमें क्या होता है कई बार आप पर क्वेश्चनिंग की जा सकती है, तो आप कह सकते हो कि मैं तो रीजनेबल एश्योरेंस देने की कोशिश की और मैंने पूरे नेसेसरी स्किल्स लगाए, कॉम्पिटेंस लगाई, तो मैंने प्लानिंग भी की, ये देखिए प्लानिंग के डॉक्यूमेंटेशन, मैंने ऑडिट प्रोग्राम भी बनाया, ऑडिट प्रोग्राम जो क्लाइंट है उसे भेजा, उसके बाद उसमें ऑडिट मेथडोलॉजी भी है, स्ट्रेटेजी भी है, कौन से प्रोसीजर्स यूज़ करोगे वो भी है, रिस्क असेसमेंट भी है और रिस्क कैसे मैनेज करोगे वो भी है, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है क्या मैंने, और ऑडिट रिस्क भी क्या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क है वो भी डिफाइंड है। तो सारी चीज़ें मैंने डिफाइन की, सारी चीज़ों को मैंने प्रायोरिटाइज़ किया, सारा वर्क मैंने बांटा, उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो उसमें तगड़ा डॉक्यूमेंटेशन, पक्का डॉक्यूमेंटेशन होने की बहुत ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ऑडिटर जाता है बहुत बड़ा वो है, उसको बेवकूफ़ बना दिया, तो वैसे होता नहीं है। आजकल थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको यूज़ करके सारी एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव में आपको देखना होता है, तो आपको इतना बेवकूफ़ बना नहीं सकते, बहुत लंबा ग्लोबली नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन छोटे वो उसमें कई बार आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मतलब कहीं छोटे से एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो आपने नॉन मटेरियल समझा, उतना मटेरियल नहीं है, लेकिन पता चला वहाँ मटेरियलिटी बहुत ज़्यादा है, वो मटेरियल जो है वो चीज़ वो एरिया बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो उसमें ऑडिटर ये दिखाएगा मैंने रीजनेबल एश्योरेंस देने की कोशिश की और मैंने अपने पूरी स्किल्स और कॉम्पिटेंस लगाया और मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन रखे, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आईटी सिस्टम्स जो हैं आईटी ऑडिट में ट्रेल नहीं होती है, तो ये प्लानिंग का फेज़ है। अगर ये प्लानिंग का फेज़ आपने कंप्लीट कर दिया, यानी तीन चीज़ें कंप्लीट कर दी, पहले प्लान किया, प्लान करते समय आपने सारी चीज़ें देखी हैं, उसके बाद मतलब सारी चीज़ों का मतलब हम प्रीलिमिनरी रिव्यू किया है और उस रिव्यू को डॉक्यूमेंट कर दिया है, क्लाइंट से एक्सचेंज हुआ, आए मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए, वो सारी चीज़ें आपने रखी, उसके बाद क्या है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग आपने क्लाइंट को सर्कुलेट कर दिए, कहा कि ये हमारे बीच में मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई है, ये हमने डॉक्यूमेंट कर दिए, ये हमारी बातें हुई, इसके अनुसार ऑडिट किया जाएगा। और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि सेकंड फेज स्टार्ट किया, उसमें मेथडोलॉजी और नहीं प्रोग्राम बनाया, उसको क्रिस्टलाइज़ किया, एक प्रोग्राम के रूप में बनाया, प्रोग्राम भी सर्कुलेट किया कि ये ऑडिट प्रोग्राम है हमारा। उसके बाद आपने मालूम पड़ा उसमें फीडबैक लिया, ऑडिट प्रोग्राम के बाद आपने मेथडोलॉजी उसमें दी रखी है, सारी मेथडोलॉजी बहुत से और चीज़ों के अलावा मेथडोलॉजी दी हुई है, स्ट्रेटजी दी हुई है, प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, तो यानी कि आपने रिस्क दिया है, रिस्क का असेसमेंट, रिस्क का मैनेजमेंट, कैसे रिस्क को, क्या क्या रिस्क आप असेस कर रहे हो, कैसे रिस्क को मैनेज करोगे, ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंटेड है। और जब भी आप ऑडिट करके आते हो, एक फीडबैक आप देते हो, तो उसी के अनुसार आपका अगली बार प्लान चेंज हो जाता है और उसे आप डॉक्यूमेंट कर लेते हो। अगर ICQs फ्लोट करते हो, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर करते हो, तो वो इवॉल्विंग है, हर बार पिछली बार के फीडबैक के फीडबैक लूप बना रहे हो आप, यानी कि फीडबैक मिला और उसके अनुसार इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर जो है अपडेट होते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक सही तरीके से ऑडिट हो रहा है। तो इसके बाद आप जो
इंफॉर्मेशन है उसको एग्जामिन कर सकते हो, उसको इवेलुएट कर सकते हो और उससे ऑडिट एविडेंस निकाल सकते हो और उससे ओपिनियन दे सकते हो, तो आपका ऑडिट रिस्क फिर कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि आपने ऑडिट मेथडोलॉजी को अप्लाई करोगे। ऑडिट मेथडोलॉजी जो आप अप्लाई करोगे तो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे, कंप्लायंस प्रोसीजर्स लगाओगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाओगे और आप ऑडिट फाइंडिंग्स लोगे। तो ऑडिट फाइंडिंग्स जो होती है, आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो। अब आप जब ऑब्जर्व करोगे तो उस ऑब्जर्वेशन को लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट जरूर करना है। आप इंटरव्यूज लेते हो, आप वेरिफिकेशन करते हो, तो जब आप या इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स फ्लोट करते हो, इंटरव्यू जो है एक तरह से ICUs भी इंटरव्यू का ही एक तरह से पार्ट है, तो आप कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो तो बेसिकली आप उसे डॉक्यूमेंट कर लो। और उससे भी बेटर क्या होगा, उस ऑब्जर्वेशन को फ्लोट कर दो कि मैंने ये चीज़ें देखी, यानी कि ये चीज़ें हैं। और वो बेसिकली क्या है, आप लोगों को ला के डिस्कशन कर लो, डिस्कशन करने के बाद उस डिस्कशन को मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना दो और उसे भेज दो, उसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो, तो वो एक एविडेंस का पार्ट हो जाता है आपकी। यानी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने देखा एक पर्टिकुलर काम पर्टिकुलर तरीके से हो रहा है, आप सर्वर रूम में गए, आपने देखा जी यहाँ तो वो नहीं लगा है, क्या कहते हैं, कंट्रोल्स नहीं लगे हैं, कोई भी आगे जा सकता है, तो आप IT मैनेजर के साथ बैठो, बात करने लगे, यार ये कोई भी इसमें जा सकता है, वो बोलेगा नहीं जी, क्या कहते हैं, कोई नहीं जाता है, इस तरीके से नहीं जाता है और समथिंग लाइक दैट। तो आप बोलोगे कि यार इसमें तो लॉजिकल कंट्रोल्स लगे होने चाहिए, कोई भी आदमी जाए तो एक्सेस कार्ड होना चाहिए, इवन फिंगरप्रिंट लगे होने चाहिए, लगा के बाद ही जाए, और बेटर वो कि अगर बहुत क्रिटिकल सिस्टम्स है तो वहाँ पर आई स्कैनर लगे होने चाहिए, उसके बाद ही आदमी जाए, बाहर एक गेट में एक आदमी बैठा हो जो हर समय गार्डिंग कर रहा हो और केवल एम्प्लॉई अंदर जा पाए, और सर्वर रूम के पास तो केवल IT एम्प्लॉयज़ ही को एक्सेस हो और उसका पूरा एक लॉग बन रहा हो। तो अगर मान लिया सपोज़ आपने एक मिनट्स ऑफ मीटिंग करी और उसमें कुछ कुछ वो आए, तो आप कुछ सजेशन दे सकते हो और उसको फिर क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कर सकते हो। आप कह सकते, लिख सकते हो उसमें कि इस बजे इतने बजे, क्या कहते हैं, ये मेरे ऑब्जर्वेशन थे, इसके रिगार्डिंग मैंने IT मैनेजर को कॉल किया, उन्होंने ये चीज़ बोली और क्या कहते हैं, और उसके बाद उसे फॉरवर्ड कर सकते हो कि हम बैठे, हमने हमारी ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, अगर इसमें कोई चीज़ आप एड अमेंड करना चाहते हो, मोर देन वेलकम टू डू दैट। तो आपकी ऑडिट फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशन जो है एक प्रूफ बन जाएगा, एक एविडेंस के रूप में कर सकते हो। इंटरव्यू लोगे लोगों के, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर लोगे, मेल से भेजो, मेल से उनका आंसर लो, तो मेल्स आपकी होनी चाहिए, अपनी कंपनी की मेल होनी चाहिए ताकि कोई उसमें चेंज ना कर सके। उसके बाद वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन क्या होता है कि मैनुअल हो सकता है, ऑटोमेटेड हो सकता है। वेरिफिकेशन जो है फिजिकल आप वेरिफिकेशन कर सकते हो और लॉजिकली भी कई बार कर सकते हो। लॉजिकली करोगे तो टूल्स चाहिए होंगे, सिस्टम के अंदर लॉजिकली घुसना पड़ेगा और लॉजिकली घुसने के लिए कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स चाहिए होंगी। और उसके बाद प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कंप्लायंस प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे, सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या है कि सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, एनालिटिकल रिव्यू करना पड़ेगा। अब अगर मान लिया सब उस ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में क्या होगा कि अगर आप कंट्रोल्स चेक कर रहे हो तो कौन से कंट्रोल्स चेक करोगे। कंट्रोल्स बेसिकली कहाँ लगे होते हैं, कंट्रोल कौन कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, हार्डवेयर बड़ा होता है, डेटा क्रिटिकल आइटम होता है, डेटा इज़ द किंग, सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। तो आप कंट्रोल्स देखोगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल्स देखोगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स देखोगे, डेटाबेस है तो उसके कंट्रोल्स देखोगे, उन सारे सॉफ्टवेयर्स के कंट्रोल देखोगे, वहाँ पर देखोगे कि कंट्रोल्स लगे कि नहीं लगे उस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट कर रहे हैं। हार्डवेयर तो एक स्टैंडर्डाइज पीस होता है, हार्डवेयर में तो सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, और बाद में डेटा मूव कर रहा है, डेटा इन ट्रांजिट है तो वो एक केबल में मूव कर रहा है, बाद में डेटा रेस्ट में आ जा रहा है, वो रेस्ट में अगर आ रहा है तो एक फ्लॉपी डिस्क में आ जा रहा है, लेकिन बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो उसको ये सारी चीज़ें करा रहा है, और सॉफ्टवेयर को ही वॉयलेट करके उस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को हैम्पर किया जा सकता है और वहाँ पर वार किया जा सकता है। तो आप क्या करोगे, कंप्लायंस टेस्टिंग करोगे एप्लीकेशन सारे सॉफ्टवेयर्स की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, डेटाबेस
सॉफ्टवेयर है, तो डेटाबेस के कंट्रोल, एप्लीकेशन के कंट्रोल, सारे लॉजिकल कंट्रोल्स देखोगे, लॉजिकल एप्लीकेशन कंट्रोल्स, लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, लॉजिकल डेटाबेस कंट्रोल्स, और उसके लिए आपको सिस्टम में लॉजिकली घुसना पड़ेगा और उसके लिए कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हर सॉफ्टवेयर में कुछ पैरामीट्रिक सेटिंग्स होती हैं, वो देखनी पड़ेंगी कि पैरामीट्रिक सेटिंग्स सही है कि नहीं सही है। आप एक एंटीवायरस लगा लेते हो, एंटीवायरस से कहते हैं जी महीने भर में एक बार स्कैन कर देना फुल स्कैन, और एक बार एक उसमें ऑप्शन होता है, उसमें आप कहते हो कि लाइव स्कैनिंग होनी चाहिए, हर समय स्कैनिंग होनी चाहिए। हर समय स्कैनिंग से सिस्टम स्लो हो जाएगा लेकिन उससे सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो पैरामीट्रिक सेटिंग्स आप चेक करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, एप्लीकेशन की और डेटाबेस की, क्योंकि यही कंट्रोल्स जो हैं आपके कंप्लायंस टेस्टिंग इन्हीं के रेफरेंस से की जाएगी, ऑटोमेटेड कंप्लायंस टेस्टिंग इसी से की जाएगी। कंप्लायंस टेस्टिंग में क्या करोगे, ऑटोमेशन में आप लॉजिकली कंप्लायंस कंट्रोल्स देखोगे, सिस्टम के अंदर लॉजिकली घुस के देखोगे। और कंट्रोल्स कहाँ पर लगेंगे, सॉफ्टवेयर में कंट्रोल्स लगेंगे, सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर्स में ही कंट्रोल होंगे, सॉफ्टवेयर को ही कंट्रोल किया जा रहा होगा। एंटीवायरस अगर वायरस नहीं आने दे रहा है सिस्टम के अंदर तो वो सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर का कंट्रोल किया जा रहा है। आप भी ऑडिट करोगे तो सिस्टम के अंदर घुसोगे लॉजिकली, और वो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करोगे और वहाँ भी ये सॉफ्टवेयर होगा। तो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो और ये देख सकते हो कितना सिस्टम वनरेबल है, एनालिटिकल रिव्यूज़ कर सकते हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कर सकते हो, सब्सटेंटिव एनालिटिकल रिव्यू कर सकते हो, डेटा निकाल सकते हो, निकाल कर उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो, उसको एनालिटिकली देख सकते हो, उसका ग्राफ बना सकते हो, या फिर आप कंट्रोल्स को चेक कर सकते हो। आप क्या है, सॉफ्टवेयर को चेक करोगे, उसके कंट्रोल्स को चेक करोगे। और जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहे हो तो सैम्पलिंग भी कर सकते हो, उस वो भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमने पहले भी बोला है कि जो इन्वायरमेंट होता है, आईएएस इन्वायरमेंट होता है, आईएएस इन्वायरमेंट का मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि 100% चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, 100% ऑटोमेटेड तभी होंगी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है, और चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है, पार्शियल कंट्रोल्स हैं, और चूँकि पार्शियल कंट्रोल्स हैं इसका मतलब ये है पार्शियली मैनुअल है, पार्शियली ऑटोमेटेड है, सॉरी पार्शियल कंट्रोल्स है, गलत बोल दिया, पार्शियल ऑटोमेशन है। हमने CIS की डेफिनेशन पढ़ी, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी, और उसमें ये जाना है अकाउंटिंग ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 यही चीज़ हमें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि अगर एक दो कंप्यूटर भी हो गए तो कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, मतलब वहाँ थोड़ा सा भी मैनुअल चीज़ है, थोड़ा सा भी कंप्यूटराइज चीज़ है तो वो कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट हो गया, और मैनुअल चीज़ें वहाँ पर होंगी ही होंगी क्योंकि 100% ऑटोमेशन नहीं आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है। जब 100% इंटेलिजेंस आ जाएगी तब हम ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी इवॉल्व हो जाएगा, तब हम कुछ और चीज़ें पढ़ रहे होंगे, ये चीज़ें नहीं पढ़ रहे। लेकिन अभी क्या है, पार्शियली मैनुअल है और पार्शियली ऑटोमेटेड है। तो बेसिकली हम अब क्या किस स्टेप में आ गए, हम इस स्टेप में आ गए कि हमें इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करना है और उसका एविडेंस बना लेना है, और एविडेंस बनाने के लिए और पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, और चाहे तो डॉक्यूमेंटेशन कर दें उस ऑब्जर्वेशन का कि मैंने ये देखा। इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स भेज सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे और कैट वेरीफाई करेगा, और वेरिफिकेशन क्या होगा, हार्डवेयर तो आपको पता ही है, स्टैंडर्डाइज हार्डवेयर होते हैं, मार्केट से आते हैं, हार्डवेयर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है, तो सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर से ही चेक करना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, कंप्लायंस टेस्टिंग कर लो तो इसका मतलब लॉजिक सही है, सब कुछ सही है, तो इसका मतलब आइडियली सब्सटेंटिव टेस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी ज़रूरी नहीं है कंट्रोल्स उतने पावरफुल हों, तो आपको एविडेंस रखना पड़ता है। आप कहते हो जी कंप्लायंस टेस्टिंग तो मैंने की, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करा, और उसका यूज़ करके मैंने कंप्लायंस टेस्टिंग की, और कंप्लायंस टेस्टिंग करने के बाद ये मेरे एविडेंस आए, और इसी एविडेंस के अनुसार मैंने ये ओपिनियन दी। कंप्लायंस टेस्टिंग के बाद अगर सब्सटेंटिव टेस्टिंग की ज़रूरत है तो मैंने सब्सटेंटिव टेस्टिंग की, और सब्सटेंटिव टेस्टिंग के बाद मैंने कई बार देखा कंप्लायंस टेस्टिंग की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कंट्रोल्स जो मैं स्ट्रॉन्ग समझ रहा था वो वीक हैं, तो फिर उसके बाद
आप क्या करोगे, अगर टाइम होगा तो आप काम करोगे, नहीं तो डिस्क्लेमर दे दोगे, आप अपनी रिपोर्ट में दे दोगे कि ये एरियाज मैंने अभी ऑडिट नहीं किए, इसको नेक्स्ट पीरियड में मैं ऑडिट करूंगा, या इसमें डिस्क्लेम करता हूं, या इस यहां पर मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। तो कंप्लायंस टेस्टिंग क्या होती है? कंप्लायंस टेस्टिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जो डायरेक्टिव कंट्रोल्स हैं, हमने पढ़े थे डायरेक्टिव कंट्रोल्स, जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं वो डायरेक्टिव कंट्रोल कहे जाते हैं। एग्जामिनेशन में भी ये आ सकता है, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर डायरेक्टिव कंट्रोल कहे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, स्कोप होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, हमने पढ़ा था, उसके बाद पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनते हैं और ये डायरेक्टिव कंट्रोल होते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में बड़े अच्छे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होंगे, मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वहाँ पर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बड़े जल्दी बनते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्लायंट टेस्टिंग जो है वो डिटरमाइन करेगा कि कंट्रोल्स अप्लाई भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो मैनेजमेंट की पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप और ऑब्जेक्टिव के अनुसार बने हैं। हम सेशन में पढ़ा, सबसे स्कोप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या स्कोप इंपॉर्टेंट होता है, उसकी के अनुसार आपके पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनते हैं, वहाँ ये स्टैंडर्ड बनते हैं और पॉलिसीज़ बनते हैं, स्टैंडर्ड्स बनते हैं, फिर प्रोसीजर्स होते हैं, उन सबको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। तो उसी के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी के अनुसार उन पॉलिसीज़ के अनुसार आईटी पॉलिसी बनी है कि नहीं बनी है। आईटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से नीचे होगी, उसी के अनुसार आईटी पॉलिसी बनी है कि नहीं बनी है। आईटी पॉलिसी के नीचे आईटी पॉलिसीज़ जो हैं कंट्रोल्स बताएंगी, डायरेक्टिव कंट्रोल्स होती हैं, हमने पढ़ा था डायरेक्टिव कंट्रोल्स और बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। तो डायरेक्टिव कंट्रोल्स जो हैं वो फॉलो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहने का मतलब ये है, ऑडिटर कंपनी में गया, उसने कहा पॉलिसीज़ प्रोसीजर देखी, बड़े सही पॉलिसीज़ प्रोसीजर है, यानी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की भी बनी है, सब कुछ बनी है, सारा चीज़ है, डायरेक्टिव कंट्रोल सेट है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स बहुत तगड़े हैं। लेकिन जब आगे जाने लगा, जब बात की उसने मैनेजमेंट से, कई बार मैनेजमेंट बड़ी अच्छी बातें करता है, बहुत सदा हुआ मैनेजमेंट होता है, और पर्टिकुलरली वो मैनेजमेंट जहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट में मैनेजमेंट कई बार बड़ा स्ट्रांग होता है, दिखता है बाहर से, अंदर से चीज़ें खोखली हो रही होती हैं, लेकिन उन खोखली चीज़ों को कवर करने के लिए और मास्टर्स बैठे हुए होते हैं। असल में फ्रॉड करने के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेन लगाना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं, पहली मीटिंग में आपको ऐसा लगेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ है ही नहीं, इसमें तो जिस जैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ रहा हूँ उससे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। तो वहाँ पर सक्की सुई दिमाग में ले आना, वहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिखेंगे, सारी चीज़ें होंगे, वो आप कहेंगे वेबसाइट में सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए बिल्कुल कंट्रोल्स के अनुसार काम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका जो इमेज है वो टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि जो प्रीलिमिनरी इवेल्युएशन में आपने जो सोचा जब आप स्टार्टिंग में प्लान बना रहे थे, आप मैनेजमेंट से मिले, बड़ी बड़ी बातें हुई, कई बार क्या है कि आप एक अच्छे फ्रॉड को देखना, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, वो विश्वास पैदा करता है ताकि वो ट्रस्ट को फिर तोड़ सके। कई बार विश्वास इसीलिए पैदा किया जाता है कि ट्रस्ट उसको तोड़ सके, तो अच्छा फ्रॉड ये इस तरीके से अच्छे से काम करता है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं, वो सामने तो बड़ा अच्छा वो करेंगे और उसके बाद आपको लगेगा यार बड़ी वीकनेसेस हैं, और कई ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे आप देखोगे बेवकूफ़ टाइप के आदमी बैठे हुए हैं, वो अपनी गलतियाँ खुद बता दे रहे हैं। असल में क्या है, कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो अपने आप को चेंज करना चाह रहा होता है, कई बार के होता है, कई बार जाते हैं वो कहते हैं यार ये मिस्टेक है, ये चीज़ें हम ये ठीक करना चाहते हैं, हम इससे परेशान हैं, हम इससे परेशान हैं, हमारे कंट्रोल्स वीक हैं, पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो नहीं की जाती हैं, और ये हो रही हैं और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स रहते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक के बारे वो आपको ऐसा लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स ही नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल धराशाई है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ काम होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि वो वहाँ पर क्या है कि कई बार क्या होता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस में एक पर्टिकुलर टाइप का कल्चर होता है, और ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में होता है, डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्री में बहुत कम होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में तो और भी कम होगा, वहाँ पर ऐसा दिखाया जाएगा जैसे वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री में पता चल जाता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में जनरली कई बार पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है,
तो कई ऑर्गेनाइजेशन में, रेयरली कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वो कहोगे कंट्रोल्स वीक हैं, ये चीज़ें हैं और आप हमें ओपिनियन दीजिए और हम इसे सुधारेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जाओगे काम करोगे तो आपको लगेगा नहीं इतना गड़बड़ नहीं है, कंट्रोल्स इतने वीक नहीं है। आप सब्सटेंटिव ऑडिटिंग करोगे एक लेवल तक, लेकिन कई जगह पर उल्टा होता है, तगड़े वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं और वो ऐसी इमेज रखेंगे कि बिल्कुल सही है। आपका एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर लोगे, अभी आप प्लानिंग बना रहे हो, प्लान बनाने के बाद आपने प्रोग्राम बना दिया, प्रोग्राम के बाद मेथडोलॉजी वगैरह, जैसे ही अंदर घुस गए सबका सब धरा का धरा रह गया, आपको पता चला भाई साहब यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। और जैसे जैसे वहाँ पर जाने लगोगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे, वो आपको उन चीज़ों को दिखाने नहीं लगोगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्लायंस टेस्ट का मतलब ये है कि कंप्लायंस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन किया है ऑडिटर ने उसी के अनुसार कंट्रोल्स हों। कंप्लायंस टेस्ट एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है आईएएस ऑडिटर को कि एक पर्टिकुलर कंट्रोल्स उस तरह से काम कर रहे हो जितना प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन हुआ है, यानी कि जो देखा जा रहा है बाहर से वही चीज़ है। प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन में बाहर से चीज़ देखी जा रही है, मिठाई की दुकान जा रहे हो तो देखा जा रहा है कि टॉपिंग वॉपिंग ऐसी रखी है, अभी खाना खाना बाकी है, जब खाओगे तो पता चला अंदर से मिर्ची मिर्ची है और खाने का टॉपिंग बिल्कुल सही है। तो टॉपिंग सही है और फिर अंदर क्या है, प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन में आपने देखा और आपने जाना, उसके बाद जब टेस्ट किया तो पता चला कुछ गड़बड़ है या सही है। तो जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है कंप्लायंस टेस्ट का ये है कि ऑडिटर और जो आपके कंट्रोल्स हैं वो वैसे ही होने चाहिए जो प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन में है। दूसरी चीज़, कंप्लायंस टेस्टिंग ये बताती है कि जिस तरह से प्रोसेस काम करनी चाहिए उस तरह से कर रही है कि नहीं कर रही है। भाई कंट्रोल्स आप लगा रहे हो, सॉरी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स लगा रहे हो, डायरेक्टिव कंट्रोल्स लगा रहे हो और उससे एक प्रोसेस बन रही है, आपके पास प्रोसेस मैप आ रहा है, वो प्रोसेसेस उसी तरीके से काम कर रही हैं जिस तरह से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन प्रोसेसेस हैं कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो कंट्रोल्स होने चाहिए, पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए, दूसरी लेवल पर वो फॉलो होनी चाहिए। अगर वो फॉलो हो रही हैं तो ठीक है। आईटी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी लगा है तो वो पता चल जाता है, कंट्रोल्स लगे हैं तो पता चल जाते हैं आपकी पॉलिसी ये है। अब आईटी में जाकर देख लो कि उसी पॉलिसी से चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है। एक छोटी सी चीज़ है, सपोज़ एक अटेंडेंस सिस्टम लगा हुआ है तो अटेंडेंस सिस्टम जो है वो उसमें होगा कि इतने टाइम पर आप पहुंचोगे नहीं तो इतना पैसा कटेगा। आजकल वर्क फ्रॉम होम है, कई चीज़ें हैं नो डाउट, लेकिन ऐसा है मालूम पड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि आप वर्क फ्रॉम होम में आप आपका ऑनलाइन अप्रूवल ले लो, अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो आपको इतने बजे तक पहुंचना है, अगर इतने बजे तक नहीं पहुंच मिनिमम इतने बजे तक काम करना है, फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स है, 8 आवर्स आपको कंपनी के अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो मैनेजर से अप्रूवल होना चाहिए और अदरवाइज़ आपकी सैलरी पर्टिकुलर लेवल पर कट जानी चाहिए, पॉलिसीज़ कह रही है। तो क्या वो सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो आपने देखा पॉलिसी तो ये कह रही है लेकिन सॉफ्टवेयर पर जहाँ देखा वहाँ पर नहीं कर रहा है, तो यानी कि कंट्रोल्स वायलेट हो गए, डायरेक्टिव कंट्रोल्स के अनुसार काम ही नहीं हो रहा है। मालूम पड़ा आपने देखा कोई भी कभी भी आता है, कभी भी जाता है, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैनेजर का पता नहीं है अप्रूवल आ रही है नहीं आ रही है, वो सिस्टम में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है मैनेजर ने अप्रूवल नहीं दी, कई बार सॉफ्टवेयर में क्लैरिटी नहीं होती है, मैनेजर ने अप्रूवल नहीं दी तो क्या होगा, एचआर अपने आप कहता है कि मैनेजर ने अप्रूवल नहीं दी है वो साइलेंट है, तो इसका मतलब ये है कि अप्रूवल हो गई, उसका मतलब ये होना चाहिए अप्रूवल नहीं दी इसका मतलब ये पैसे कट जाने चाहिए। तो बेसिकली